नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज आपके साथ मौजूद हूं और आज मन बहुत उदास है। आज पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी का निधन हो गया। सुभाष चौधरी, जब जब भी कभी राजनीति की बात होगी तो सुभाष चौधरी का नाम हमेशा याद रहेगा। पलवल की राजनीति का एक ऐसा पन्ना, पलवल की राजनीतिक पुस्तक का एक ऐसा अध्याय कि जिसको पढ़े बिना राजनीति में रुचि रखने वाले या राजनीति करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुभाष चौधरी अपनी बात के धनी माने जाते थे, दबंग नेता माने जाते थे, निर्भीक नेता माने जाते थे। सुभाष चौधरी के साथ एक बात दोस्तों कही जाती थी कि यदि किसी के साथ कोई बात हो गई और सुभाष चौधरी ने उससे कहा कि चल मैं साथ हूँ, तो फिर इसका मतलब था कि चल मैं साथ हूँ। राजनीति के अंदर उनको अपना अलग एक फैसला लेने के लिए या पंचायत स्तर पर जा करके पंचायती बात रखने के लिए जाना जाता था। पिछले दिनों मेरे साथ ही एक साक्षात्कार में थे, काफी दिन से बड़े बेचैन थे। कह रहे थे कि राजनेताओं ने जो खासकर उनके समाज के राजनेता हैं और या वो राजनेता यानी कि पॉलिटिशियंस, उनके जो पॉलिटिशियंस के जो कार्यशैली थी उनसे कहीं हताश, निराश, परेशान और उदास थे। कहते थे कि राजनेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सुभाष चौधरी हमारे साथ एक साक्षात्कार में, आप इसको देख सकते हैं जाकर के, इसके अंदर कह रहे थे कि एक पंचायत बुलाऊंगा और पंचायत में लोगों से अपील करूंगा कि या तो मुझे अंतिम चुनाव लड़वा दो और या मुझे सम्मान के साथ विदा कर दो। अंतिम चुनाव तो उनका नहीं हुआ, लेकिन सम्मान के साथ विदाई जरूर हो गई, और विदाई भी अंतिम विदाई, जिसको कह सकते हैं कि अलविदा सुभाष, याद तो बहुत आओगे। याद क्यों आएंगे, यादों में क्यों रहेंगे? मैं सुभाष चौधरी के राजनीतिक और उनके जो व्यक्तित्व को बड़े पास से जानता रहा हूं। सुभाष चौधरी नगर परिषद की पलवल नगर पालिका हुआ करती थी उस समय, तब से लोकल राजनीति में यानी कि जो शहरी सरकार की छोटी राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे। 4 बार पार्षद बने। नगर पालिका नगर परिषद की राजनीति करते हुए सुभाष चौधरी ने अपनी राजनीति को अगले सोपान तक पहुंचाया। नगर पालिका के पार्षद वो 4 बार बने, नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे। चौधरी कल्याण सिंह जो हरियाणा सरकार के वजीर हुआ करते थे, उनके भतीजे थे सुभाष चौधरी। 1996 में पहला चुनाव लड़ा विधायक का, एमएलए का, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर सुभाष चौधरी चुनाव मैदान में उतरे बहुजन समाज पार्टी के टिकट से। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का। उस चुनाव को वो हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। 1996 में करण सिंह दलाल पलवल से विधायक बने। उसके बाद 2000 का चुनाव आया। 2000 के विधानसभा चुनाव में भी सुभाष चौधरी कैंडिडेट थे बहुजन समाज पार्टी से ही। चुनाव लड़ा और उस चुनाव को भी लूज कर गए। 2005 का विधानसभा चुनाव आया तो उस चुनाव में सुभाष चौधरी चुनाव मैदान में नहीं थे। 2005 का वो चुनाव सुभाष चौधरी ने नहीं लड़ा। उसके बाद 2009 का चुनाव आया। 2009 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर सुभाष चौधरी मैदान में थे। 2005 के चुनाव में सुभाष चौधरी सुभाष कत्याल के समर्थन में रहे और 2009 के चुनाव में खुद इंडियन नेशनल लोकदल से प्रत्याशी हुए। 2009 का चुनाव लड़ा और जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होगा कि सुभाष चौधरी जब वोट मांगने जाते थे तो हाथ जोड़कर केवल एक बात कहा करते थे, बदलाव बदलाव बदलाव। हुआ, बदलाव हुआ और पलवल के अंदर 2009 में सुभाष चौधरी पहली बार विधायक बन गए 2 बार चुनाव हारने के बाद, और पलवल के अंदर पहली बार करण सिंह दलाल चुनाव हार गए। 4 बार विधायक बने करण सिंह दलाल, 1991, 1996, 2000 और 2005, 4 बार विधायक बने, लेकिन 2009 का चुनाव वो सुभाष चौधरी से हार गए। पहला चुनाव करण दलाल हारे, पहला चुनाव सुभाष चौधरी जीते। उस चुनाव ने सुभाष चौधरी के पॉलिटिकल करियर को और ज्यादा हाइप दी, और ज्यादा ऊंचाई दी, और सुभाष चौधरी की पहचान पलवल से निकल करके और पूरे हरियाणा भर में हुई। 2014 का विधानसभा चुनाव आया,
2014 का विधानसभा चुनाव सुभाष चौधरी एक बार फिर लड़े इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। इस चुनाव को सुभाष चौधरी भी हार गए और भारतीय जनता पार्टी का टिकट दीपक मंगला के पास था, वो भी हार गए। चुनाव करण सिंह दलाल फिर जीत गए। 2014 का चुनाव उनका वो अंतिम चुनाव था। 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो सुभाष चौधरी ने ट्राई तो बहुत की लेकिन बात नहीं बनी। अब 2024 के चुनाव में सुभाष चौधरी चाह रहे थे कि इस चुनाव को लड़ा जाए, इस चुनाव में मैदान में हो, लेकिन साथ साथ एक बात और भी बोलते थे, कि अगर पंचायत कहेगी, पंचायत की बात करने के लिए वो सबसे ज़्यादा पहचाने जाते थे। जब जब कोई बात होती थी तो वो लोगों को इकट्ठा करना, समाज को इकट्ठा करना, समाज को इकट्ठा करके उनसे पूछना कि क्या करना चाहिए और फिर उसके हिसाब से फैसला कर लेना। मेरे साथ थे 3 तारीख को, कह रहे थे कि एक पंचायत और करेंगे और उस पंचायत के अंदर फैसला करेंगे, अगर लोग कहेंगे तो चुनाव लड़ लेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि मुझे कह रहे थे, और इंटरव्यू में आप भी सुन सकते हैं, उसमें कह रहे थे कि लोगों से कहूंगा कि भाई एक चुनाव और लड़वा दो, अगर लड़वाना चाहते हो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और नहीं तो मुझे सम्मान के साथ विदाई दे दो। जब सुभाष चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको अटैक पड़ा ब्रेन हैमरेज का, पंचायत उनके घर उस समय भी बैठी हुई थी। पलवल से चुनाव लड़ रहे हैं जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के टिकट पर हरित बैसला, वो उनके घर पर बैठे हुए थे और पंचायत बैठी हुई थी, 20-50 लोग भी थे, सुभाष चौधरी के पास मिलने गए हुए थे। और मैंने आपको बताया कि सुभाष चौधरी अपनी बात कहने के लिए, बेबाकी से कहने के लिए, जिसको जो कहना है वो सामने कह देना है, उसके मुँह पर कह देना है। तो उस पंचायत में गर्मा गर्मी जो भी चल रहा होगा, जो भी बात हो रही होंगी, लेकिन वो मनहूस दिन था जिस दिन सुभाष चौधरी को ब्रेन हैमरेज हुआ, वेंटिलेटर पर थे। अंतिम समय जब उनका ब्रेन हैमरेज हुआ, रात के समय उनको मैं भी देख करके आया था, और उसके बाद वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आए और आज उनकी अंतिम विदाई हो गई। आज सुभाष चौधरी का देहावसान हो गया। जो मैंने आपसे कहा था कि राजनीति के अंदर, खासकर जब पलवल की राजनीति की बात होगी, तो राजनीतिक पुस्तक के अंदर सुभाष चौधरी का अध्याय हमेशा अमिट रहेगा। सुभाष चौधरी लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और राजनीति करने वाले लोग सुभाष चौधरी से सीखेंगे, उनके राजनीतिक तजुर्बे से, कि आखिर पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आज मन बहुत उदास है और एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति के अंदर विलक्षण प्रतिभा के रूप में होती है, वो आज विदा हुई है। देश रोजाना परिवार भी उनको अंतिम विदाई देता है और उनको शत शत नमन करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनको परलोक में स्थान दें और ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर आगे भी बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा मिले। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।